हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो बात शुरू कर रहे हैं वहीं से जहाँ चर्चा को छोड़ कर गए थे कल। बेटा लास्ट प्रैक्टिस टाइम पे मुश्किल था वो भी मैंने यही कर दिया था, आपको सॉल्व कर दिया था। अब आपको मैंने जो रह गया सब कर दिया। नहीं आप दोनों ने अपनी अपनी ड्रॉइंग्स पे मिला के दी है। बहुत परसेंट नहीं लिया, शो योर वर्किंग क्लियरली पास आर एंट्री इन द बुक्स। अब कोई मुझसे पूछे Yeah.
बड़ी सीधी सी बात है, पहले लो लेवल देखो फिर हाई लेवल फिर देखो, इसलिए बोलते हैं छुट्टी ना करो बैच की। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले भी लो बाबू। एक पार्टनर की ड्राइंग्स है 32,000, दूसरे की 24,000, 6-6% लेना है, पर ध्यान रहे बेटा 3 ही महीने का लेना है, 1 जनवरी को ड्राइंग्स करिए, ठीक है बाबू। 480 रुपये इससे लेने हैं, 320 रुपये इससे लेने होंगे, ठीक है जी। मैंने क्या किया वो थोड़ा सा समझ चो, इसकी 32,000 की ड्राइंग्स थी, उसकी 24,000 की, तो मैं वो थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने शायद एडजस्ट सही नहीं किया, 360 आएगा, ठीक है बाबू, प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात ओके। कैलकुलेट करोगे यही आ जाएगा बाबू, 840 रुपये फर्म को मिल जाएंगे तो उसकी है इनकम। आगे बढ़ाए बात को, कहता है मीता को कमीशन मिलनी है 8,000 रुपये पूरे साल की। बाबू मीता को दोगे उसके लिए इनकम, पार्टनरशिप फर्म देगी उसके लिए खर्चा। तीन एरर थी, तीनों पुट कर दी एनालिटिकल टेबल में, कर दे सॉल्व, आओ जी बैलेंसिंग कराओ बाबू। हाइएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, लिख दिया हाइएस्ट दोनों तरफ, बैलेंस निकाल ले, 840 रुपये इसमें से माइनस कर दो, यानी कि आएगा 22,760, माइनस कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर है। पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिट से बांट रहे हो, ये प्रॉफिट है या लॉस? लॉस, क्यों? व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो लॉस ही होता है, ठीक है। अनपढ़ों के लिए बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पढ़े लिखों के लिए लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो किस रेशो में बांटो, 2:3 क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है जी, तो 2:3 निकाल लेते हैं, बांटना शुरू कर देते हैं बाबू। सबसे पहले मीता का शेयर निकाल रहा हूं मैं, 2/5, बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं निकलेगा, आपको पता है ये बात, मैं बोल भी रहा था कल भी, ये बैलेंस नहीं होता, जैसा का जैसा डेबिट में लिखा है, जैसा का जैसा क्रेडिट में लिखा है, बिल्कुल एज इट इज उतार दो और कुछ नहीं करना बेटा। 6816 डेबिट और यहाँ पर आ गया होगा 6816 क्रेडिट, यानी कि एंट्री हो जाएगी उषास कैपिटल डेबिट टू मीतास कैपिटल, अमाउंट होगी 6816, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कोई पूछे नया, भैया है नहीं नया, कंसेप्ट वही है, गलतियां बढ़ गई, क्या हो गया, आगे बढ़ाए बात को, बढ़ जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। लो जी बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ना शुरू करना, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो ताकि बेटा बार बार वापस ना आना पड़े, ठीक है। पिछला क्वेश्चन मैंने इतने ढंग से पढ़ा, मुझे लगा इतनी तसल्ली से पढ़ा, कभी मैं घर पे भी नहीं पढ़ता, एक एक फिगर याद हो गई थी भाई जो जो मैंने पढ़ा था। चलो पढ़ते हैं, कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर, दे फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। बाबू फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि जब भी जर्नल एंट्री करूंगा मैं रेक्टिफाइड एंट्री करूंगा वो करंट से करूंगा, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं देयर पीएसआर वाज 221, मुझसे कुछ ना सीखना, बस पढ़ना भी सीख जाओगे ना अकाउंट्स में मास्टर हो जाओगे। बाबू पीएसआर है 221, आगे बढ़ाओ जी। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सबको 5-5%, ठीक है जी देंगे, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। बाबू बी को सैलरी भी देनी है 1500 रुपये महीना, यानी कि साल की 18,000 रुपये, ठीक है जी। कहता सी वाज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी। बेटा सी को कमीशन देनी है 5% उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज हो चुका हो, लेकिन बेटा ना चार्ज हुआ हो तो सैलरी बी की चार्ज नहीं हुई हो। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे बढ़ाओ। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा जी बाबू, क्वेश्चन कहता है 80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था जो आपने बांट दिया था कैपिटल की रेशियो में। बाबू ये थी कैपिटल, यानी कि इसकी रेशियो 3:1 ही तो आएगी। आपने 3:1 में बांट दिया था जबकि करेक्ट रेशियो क्या थी 2:1, और वो भी जब बांट दिया था ना एक भी एडजस्टमेंट नहीं करी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना बी की सैलरी, ना सी की कमीशन, कुछ नहीं दिया, कहता बस प्रॉफिट बांट दिया। अच्छा जी, तो इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, क्या होगा फिर? अब गलतियां एक तो नहीं आएंगी, ये तो पता लग ही गया कि बहुत सारी आएंगी। करते हैं बेटा सॉल्व, सब सामने देखना जी। बाबू कॉलम बताना टोटल कितने बनाओ, 5, 3 पार्टनर है। बाबू पर्टिकुलर का कॉलम मैंने छोटा कर दिया क्योंकि मैंने पर्टिकुलर लिखना ना कम कर दिया है। ठीक है जी, आप तो सब कुछ लिख कर करेंगे बेटा, ठीक है ना, आपकी अभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। आपने पेपर देने, मैंने नहीं देने, मेरी तो कैसे भी प्रैक्टिस ओके अलाउड है। तो बाबू मैं चारों के चारों जगह पर इंटरनल कॉलम बना चुका हूँ डेबिट और क्रेडिट के, बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू सबसे पहली बात जो मैं पर्टिकुलर में लिखूंगा वो क्या होनी चाहिए, सानी साहब क्या लिखूँ सबसे पहले पर्टिकुलर में, किस गलती को सुधारूं, ड्रॉइंग्स को है, सैलरी को सुधारूं, ड्रॉइंग्स में तो पहली बात कोई गलती नहीं हुई ना ड्रॉइंग्स की कोई बात है क्वेश्चन में। बाबू इधर देखना, मेरी तरफ क्वेश्चन रीड करा करो ढंग से, इसलिए बोलता हूँ। बाबू इधर देखना, हाँ मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा हुआ है, पहले प्रॉफिट वापस ले लो उसी रेशो में, फिर सब कुछ सही बांट दो और फिर जो बचे वो बांट दो, बैलेंस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो पहले प्रॉफिट गलत बांटा हुआ है, किस रेशो में दे दिया था, कैपिटल की रेशो में, और कैपिटल की रेशो 3:1, ठीक है। 80,000 का प्रॉफिट 3:1 में बांट दिया, वापसी ले लो। बाबू जिनसे वापसी निकलवाऊंगा उन पार्टनर के लिए लॉस, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा उसके लिए इनकम। बाबू 3/6 मतलब आधा, 80,000 का आधा तो यही देगा वापस, इसका 2/6 मतलब 1/3, और ये 1/6 यानी कि इसका भी आधा। वो खैर आप सोच लेना, मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ, आप कुछ अलग तरीके से। मैंने प्रॉफिट वापस ले लिया सबसे, 80,000 रुपए के जो गलत रेशो में बांटे थे उसी गलत रेशो में वापस ले, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 60,000 की कैपिटल है इसकी, इसको दूंगा इसकी इनकम, इसको दूंगा इसकी इनकम, इसकी 40,000 की, इसकी 20,000 की, सबको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना। जितनी अच्छे से ओके कर रहे हो ना मेरी बात को, उतनी अच्छे से होमवर्क भी करके आना, क्योंकि बात तो यही है कि सेम, कुछ अलग थोड़ी आएगा। गलतियां तो वो घूम फिर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, सैलरी कमीशन की, और क्या गलती है। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक जो बात बोली समझ में आई। बाबू बी को सैलरी भी देनी है 1,500 रुपये महीना, यानी कि 18,000 रुपये साल बी को देंगे तो बी की इनकम, पार्टनरशिप फर्म देगी तो उसका खर्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात ओके पक्का से। इधर देखो फिर मैं करो, बाबू कहता है सी को कमीशन देनी है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी पेबल टू बी। इधर देखना, 5% सी को कमीशन देनी है उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो जाए लेकिन बी के सैलरी चार्ज ना हो। सर अगर रीड कर सकते हो ना, मैं फिर बोलता हूं, मैंने चार चार्ज कितनी बार आया था, बट कितना सोचा होगा ना आपने उसी का, मैंने आधा घंटा लगाया, अरे यार छोटा सा फॉर्मूला था यार, फॉर्मूला लिखवा दो,
सब चाह रहे थे ना फॉर्मूला लिखवा दो। मैंने कहा था फॉर्मूला तो बहुत बाहर की चीज है, बहुत बाहर की, मुझे क्या करना है, फॉर्मूला का शॉर्टकट पता भी है। तो मैंने कहा था चार्ज वर्ड जान ले लेगा 12th क्लास में अगर रीड नहीं करोगे तो। तो सर एक एक बात की अहमियत होती है, बस उन पता कुछ दिन में होती है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात, बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने बाबू, यानी कि 5% आया होगा 3700। ठीक है, सी को कमीशन दे दो 3700, सी के लिए इनकम, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए नुकसान, ये 74,000 आया होगा, 74,000 का 5% 3700। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सारी गलतियां ठीक हो गई, खत्म करें, आओ जी बैलेंस करना, हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस निकाले बाबू, ये 24,000 27,700 यानी कि एक सेकेंड 27,700 ना, ठीक है जी। अरे यार मैंने सही लिखा था, मैंने ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू, इसको किस रेशो में बांटना है, क्वेश्चन में रेशो दी थी 2:1 दी थी ना बाबू, जो 3:1 में बांटा था वो तो गलत रेशो में बांटा था ना, कहता कैपिटल की रेशो में बांट दिया था प्रॉफिट, पर करेक्ट रेशो तो 2:1 थी, तो 2:1 में बांटते हैं प्रॉफिट बाबू, 2:1 में बांट देंगे, जो आंसर आएगा वही जर्नल एंट्री बन जाएगी, खत्म हो जाएगी कहा, आगे बढ़ जाते हैं, मुझे पता प्रॉफिट बांट दोगे, इसमें भी क्या दिक्कत आएगी, बढ़ जाए आगे। चलो बाबू नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बाबू, कोशिश करना कि खुद से पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ झेल सको, पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है जी, मैं चाहता हूं आपसे पढ़ते पढ़ते ही झेल सको, अच्छे से रीड करना मेरे साथ साथ, सब सामने आ जाओ। कहते हैं प्रणव करण एंड रहीम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, द कैपिटल वर 5 लाख 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1st of April 2023। बाबू सबसे पहली बात तो PSR गिवन है 3:1, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख 3 लाख 2 लाख, ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल के दिन कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड देवर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहती है सबको ब्याज देना है 10-10% पर एनम, ठीक है जी, दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। For the year ended 31st of March 2024, profit of 78,000 but distributed among the partner without allowing interest on capital। कहता है आपने 78,000 का प्रॉफिट बांट दिया, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं दिया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मैंने बहुत जल्दी से इधर कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और आप ज्यादा दिमाग लगाओ, एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना, अब कोई बुक नहीं देखेगा, समय इधर देखे बाबू, ये क्वेश्चन तो कल ही दे देना चाहिए था मुझे, सिंपल क्वेश्चन ही तो है, 78,000 का प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, क्या करूं, पहले प्रॉफिट है नहीं बाबू, अगर देखो मैं आपको बता देता हूं, कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में फर्क समझ लो, और ये फर्क सब समझ लो, आयुषी कुछ बोल रही है, पहले ये इसका क्वेश्चन सुनो बाबू, वो कह रही सीधा इंटरेस्ट दे दो ना बेटा, कल अगर आप देखोगे ना, जहां कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात थी कहीं पर भी ना प्रॉफिट नहीं था, देख मेरी तरफ देख, आपने कल एक क्वेश्चन करा कि 5% देना था, पता नहीं 6% दे दिया था या 10 देना था 9 दे दिया था बाबू, कहीं पर भी ना प्रॉफिट की बात नहीं थी, तो मैं क्या कर रहा था, सीधा 1% दे रहा था, खत्म कर रहा था कल, यहां मैं प्रॉफिट गलत बांट चुका हूं, ठीक है, ऐसा हो सकता है आंसर आ जाए, जैसा तू सोच रही है वैसे भी आंसर आ जाएगा, पर गलत चीज है वो, अगर मैं गलत प्रॉफिट बांट चुका हूं, रेक्टिफिकेशन करने का सीक्वेंस क्या है, अगर मैंने गलत प्रॉफिट बांटा है पहले प्रॉफिट वापस लो, अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी तो उसमें से इंटरेस्ट बांटेगी और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट वो बांटेगी, यही तो सीक्वेंस है, अगर आप कह रहे हो सीधा इंटरेस्ट दे दो, भैया मेरे पास है पैसे तो पहले पैसे आ तो जाए, जो गलत प्रॉफिट बांटा वो वापस लो, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, फिर जो बचे वो बांटो,
ठीक है जी। मैं पहले पहले प्रॉफिट वापस लूंगा, प्रॉफिट टेकन वे जो 78,000 का प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांट दिया वो वापस लिया, अब बांटना शुरू करो इंटरेस्ट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आयुषी ने क्वेश्चन पूछा था एडिशनल हो गया, मैं स्किल को डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप सोच नहीं पा रहे थे, मैं सोचवाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लिक करना, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कंसेप्ट साथ साथ चलेगा। इधर देखना फर्म के पास प्रॉफिट कितना वापस आएगा, 78,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 10%, कैपिटल कितनी है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 30,000, 20,000, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट कितना है 78,000, बांट दू लॉस निकाल दू, निकल सकता है लॉस, मैक्सिमम कितना बच सकता है 78,000, जीरो कर सकते हो प्रॉफिट को, लॉस तो नहीं निकाल सकते। इन सच अ केस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन की रेशियो कैसे बैठेगी, 50-30-20 देना था, मतलब 5:3:2। भाई मैं कहता हूं रीडिंग में ये सब कुछ है, तो रीडिंग करते नहीं हो कुछ भी, रीडिंग में सब कुछ है तो मैं लगता है करते हुए करेंगे, करते हुए क्या करोगे तुम, तो निकाला आपने लॉस लिख के ले लो आज। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा, करो ये क्वेश्चन या छोड़ दो। 78,000 वापिस लोगे, 1 लाख का अप्रोप्रिएशन है नहीं दे पाओगे, 78,000 ही दे दोगे इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन 5:3:2, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस इतना ही करते, दो ही लाइनों का क्वेश्चन है, कर लोगे ना, आगे बढ़ जाओ। चलो मैंने 4 क्वेश्चन की बात कही है, देखते हैं, मैं तो 4 क्वेश्चन में बहुत भी गया, फोर्थ पे आकर आप तो स्पीड देखो तुम। चलो देखते हैं सर, अब मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर शायद 79 तक है ना क्वेश्चन, हाँ एक ही कंसेप्ट पर है, मतलब एक ही थीम लाइन पर है। क्वेश्चन नंबर 71 ढंग से समझना ताकि अगले सारे क्वेश्चन कर पाओ, सारे सेम लाइन है, सेम लाइन, ठीक है, 71 से लेकर 79 तक एक जैसे क्वेश्चन, एक मैं करूंगा, 2-3 आप करोगे, बाकी बच्चे में 2-3 मैं कल करूँ, ठीक है। कहता है ऑन 31st of March 2024 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल ऑफ पी क्यू आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 40,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बाबू 31 मार्च 2024 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद ये कैपिटल है, मतलब कौन सी कैपिटल, ओपनिंग है क्लोजिंग, बोलो यार इतने अच्छे से लाइन पढ़ा करो ना, क्लोजिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी। और ये भी पता है बेटा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन है तो वह क्लोजिंग ही है। कहते हैं सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% वॉज नॉट अलाउड, कहता ये भी पता लग गया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब देखो मैं बोलता हूँ डबल जान निकाल रहा है आपकी, पता क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, रफ में पहले तो बनाओ क्लोजिंग से ओपनिंग जाने का फॉर्मेट। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी ठीक है ना, उस पर इंटरेस्ट निकालोगे, फिर सोचना एनालिटिकल टेबल के बारे में, सारे क्वेश्चन यही है 71 से लेकर 79 तक, डबल डबल जान निकालता जान पूछ के, सब में क्लोजिंग कैपिटल दे देगा आपके हाथ में, कहेगा इंटरेस्ट नहीं दिया, अच्छा जी तो पहले ओपनिंग तक की स्ट्रगल लो फिर एनालिटिकल टेबल की स्ट्रगल लो, समझ में आ रही है मेरी बात, अच्छा जी। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2024 वाज 60,000 एंड द पार्टनर ड्रॉइंग्स हैड बीन 10,000, 7,500 एंड 4,500, बहुत ही बढ़िया। और कहते हैं PSR है 3:1, 40-30-20 क्लोजिंग का बेटा, बाबो प्रॉफिट है 60,000 रुपये और बेटा ड्रॉइंग्स है ये अमाउंट और PSR है बेटा 3:1, आपको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5%, ठीक है, सब सामने देखना नहीं था, करते हैं जी शुरू। बाबू
क्वेश्चन नंबर 71 कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है पी क्यू और आर की। सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल निकालना, फिर एनालिटिकल टेबल के बारे में सोचना, ठीक है। बाबू क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 40, 30, 20, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। बाबू ओपनिंग कैपिटल तक मुझे जाना है। क्वेश्चन ने मुझसे दो बात करी, एक प्रॉफिट की और दूसरी ड्रॉइंग्स की, दो ही बात करी है क्वेश्चन ने। 60,000 का प्रॉफिट है, एक की ड्रॉइंग है 10,000, एक की शायद 7,500, एक की 4,500, ठीक है। 60,000 का प्रॉफिट है, 3:1 रेशो भी गिवन है, ठीक है जी। यानी कि बटा कैसे होगा, 30, 20, 10, और ड्रॉइंग्स 10,000, 7,500, 4,500, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच गए मिनटों में। 10 + 10 - 10, 10 + 10 - 10, ठीक है जी। अब क्या करो, अब आ जाओ एनालिटिकल टेबल पर। कोई समझदार व्यक्ति ये बताए एनालिटिकल टेबल में पहला स्टेप क्या होगा। कह रहे हम समझदार नहीं है, हम नहीं बताते, बताओ फटाफट से। हाँ जी, ओ भैया एनालिटिकल टेबल का पहला स्टेप, मैंने फॉर्मेट नहीं पूछा, बना दूंगा मैं, अच्छे से आता है मुझे। कह रही डेबिट क्रेडिट देख लो पहले, हाँ ये तो अच्छा स्टेप है। और बताओ आयशी जी, कुछ गाइड करें हमें क्या करूं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो कभी कर रहा है, पढ़ते पढ़ते रहे कर क्या देते हो, छोले भी छोले होते। मैंने आराम से पढ़ा बिल्कुल तसल्ली से। ले तुझे इतना शौक चढ़ा तो तब भी बता, लो पढ़ो, इतना सा क्वेश्चन है चार महीने का, 2 मिनट का पॉज है, आप सोच लो, मुझे बताओ पहला स्टेप क्या होगा, सब सोच लो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। कैरियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, जिस जिसका आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हैंड रेज कर दो, जिनका नहीं है वो बता दो क्या करोगे। मानसी क्या कहते हो, क्या होना चाहिए मेरा स्टेप पास्ट एडजस्टमेंट का। 1001% ओके, प्रॉफिट वापस ले लो। देखो मैं आपको ना अब बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ, सही कहने लगा था तो जो भी कह रहा था, योगी जी से मिलके आया कर लिया छुट्टी करके ट्यूशन की, हल्के में ले रहे क्या आप, जो ये कहते सब ओके कह दो, जो भी कह दे वो बोर्ड पेपर में जरूर कह दियो एग्जामिनर को, मुझे यहाँ नहीं भी कहेगा तो चलेगा। लो सुनना, अब बेटा मैं बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, ये आराम से सुन लेना समझ लेना, 79 क्वेश्चन तक सेम बात है। बहू एक बड़ी सोचने की बात है, अगर क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है तो बड़े सीधी सी बात है क्वेश्चन में प्रॉफिट निकला भी होगा और बट भी गया होगा, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना भाई। शुक्ला ऐसे बताते हैं, मुझे डरा देते हैं भाई, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकली है तो प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स के बाद ही तो निकली है, प्रॉफिट बढ़ गया होगा तभी तो क्लोजिंग कैपिटल है, और प्रॉफिट बढ़ गया और क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट दिया नहीं। भैया अगर आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ओपनिंग कैपिटल पे दोगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो, ये भी तो पता लग रहा है कि प्रॉफिट गलत बटा हुआ है, जब इंटरेस्ट दिया ही नहीं अभी तक, देना है तो प्रॉफिट गलत ही तो बटा हुआ है। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कसम खा लो सबसे पहला स्टेप पास्ट एडजस्टमेंट का क्या होगा, प्रॉफिट टेकन बैक, वापसी होगा ही होगा प्रॉफिट उस क्वेश्चन में, होगा ही होगा, कुछ हो ही नहीं सकता और स्टेप, समझ आई बात। कुछ रटना है, जरूरत नहीं होती बेटा अकाउंट्स में रखने की, बस दिमाग खोल के चलना पड़ेगा। जब भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्वेश्चन लगा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, वाह भाई वाह, अगर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, क्लोजिंग कैपिटल देनी मतलब प्रॉफिट गलत बांट दिया ना, ये तो निकालोगे ही निकालोगे ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट वापस जरूर ले लेना, शुरुआत यहीं से होगी। अगर आपने अब ये बात पल्ले बांध ली, बोर्ड में क्वेश्चन यही आने वाला है इन्हीं 9 में से, ध्यान रख लेना, ये बात नहीं पल्ले बांध लोगे सब कुछ निभ जाएगा, सब कुछ
चलो जी, तो अब सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेंगे, 60,000 का प्रॉफिट जो आपने 3-2-1 में बांटा होगा, जिससे वापस लेंगे उसके लिए नुकसान और बेटा पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा उसके लिए इनकम, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, बेटा ये रही ओपनिंग कैपिटल, 5-5% सबको दे दो, 5% है, हाँ हाँ 5% होगा, तो वो जिसको मिलेगा उसके लिए इनकम और बेटा पार्टनरशिप फर्म देगी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए नुकसान, बस यही था क्वेश्चन, ठीक है जी। बाबू बैलेंसिंग फिगर निकाल लो और उसको 3:2:1 में बांट दो, बेटा बैलेंस निकाल लिया मैंने, वैसे तो प्रॉफिट है ही, बैलेंस नहीं, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, इसको बांट दो बेटा 3:2:1 में, यानी कि आधा मिलेगा पी को, बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में डेबिट है, पार्टनर्स में बटेगा क्रेडिट है, दे दिया आधा इसको, ठीक है जी। बाबू 2/6 यानी कि 1/3 मिलेगा बेटा क्यू को, और बाबू इसका भी आधा मिलेगा आर को, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 300 डेबिट साइड ज्यादा है, रटा रटाई बात, ₹8 क्रेडिट साइड ज्यादा है, 292 क्रेडिट साइड ज्यादा, इतनी बार तो मैंने क्वेश्चन कर ही रखा होगा, ठीक है आंसर आ गया, पी की कैपिटल को डेबिट कर देना है, दोनों क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब सुनो होमवर्क, एक आधा क्वेश्चन क्लास में कर सकते हो तो कर लीजिए, 72 होगा 73 74 तीन क्वेश्चन करके ला, 72 73 74, सर मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया, सिर्फ तीन ही क्वेश्चन दिया, मुझे चाहिए हर हाल में पूरे पूरे, रखते आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय।